हिमाचल प्रदेश के सिरमौर के हाटी समुदाय को सरकार के द्वारा जनजातीय क्षेत्र का दर्जा देने पर कांग्रेस पार्टी ने सरकार का स्वागत किया है। वहीं प्रदेश के बड़ा भंगाल, छोटा भंगाल और मंडी जिला के द्रंग विधानसभा के चौहार घाटी को जनजातीय क्षेत्र का दर्जा न देने का कांग्रेस पार्टी को मलाल है। ये बात शुक्रवार को मंडी में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व में मंत्री रहे कौल सिंह ठाकुर ने एक पत्रकार वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि आज बीजेपी जनजातीय क्षेत्र का दर्जा दिलाने का पूरा श्रेय ले रही है, लेकिन पूर्व में रहे कांग्रेस नेताओं और केंद्र की सरकारों का भी इसमें बराबर का योगदान है। हाटी समुदाय को जनजातीय क्षेत्र का दर्जा दिया है, इसका कांग्रेस पार्टी स्वागत करती है। ये सिर्फ जयराम सरकार की उपलब्धि नहीं है, समय पर जो कांग्रेस सरकारें केंद्र सरकार पर दबाव बनाती रही है उसका यह नतीजा है। वहीं उन्होंने हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर के द्वारा सिरमौर में दिए भाषणों में उन्हें सिरमौर का मामा होने की बात पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि जिन्होंने गाना गाया उनको दूर दराज में तबादला कर प्रताड़ित किया, फिर अब चुनावी बेला में रिश्ता जोड़ लिया है। जयराम जी ने कहा है कि मैं सिरमौरियों का मामा हूँ। तो मामा किस लिए कहा? जो वो गाना बना था, जिन्हें गाना गाया था उनके तो ट्रांसफर दूर दराज क्षेत्रों में कर दी और हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक उनको उनके चॉइस के स्टेशन मिले हैं। तो अब जयराम जी मामा बन गए। पहले इसका बड़ा विरोध किया, इसलिए जितना श्रेय भाजपा ले रही है उतना श्रेय कांग्रेस पार्टी को इसका जाता है।